हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग जो है लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट हम लोग इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग जो डिफाइन कर सकते हैं वो मान चलिए कोई किसी एक पॉइंट पे, मान चलिए इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना को डिफाइन करना है। तो मान चलिए कोई चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू कोई चार्ज है, इस ये चार्ज कहाँ अभी इन्फिनिटी पे, इस इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये, इस चार्ज को हम लोग इस पॉइंट तक यदि लाते हैं और इस पॉइंट तक लाने में, मान चलिए इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यदि मान चलिए वर्क डन क्या है, इफ इफ W इज द वर्क डन and Q is the unit positive charge, then electric potential क्या हो जाएगा, electric potential को भी से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, या हम लोग लिख सकते हैं भी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहां पे डब्ल्यू है तो जूल पर कूलम, तो ये हो गया आपका जूल पर कूलम, इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट हो गया, या जूल पर कूलम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मेन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, V बराबर W बाय क्यू। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस।
स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। अब इस तो वो भी बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इसको डेल्टा वी के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, डेल्टा वी के द्वारा। पहले इसको समझ लीजिए, इसमें हम लोग जैसे मान चलिए एक पॉइंट इसको ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी ली मान लेते हैं। यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इफ क्यू क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अभी, है ना, तो डिफाइन इसको यहाँ तक ए बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा भी से इसको डिनोट करते हैं, सॉरी डेल्टा भी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, किस पॉइंट से, बी टू पॉइंट ए, बी पॉइंट से पॉइंट ए तक लाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यानी ये डेल्टा भी जो है आपका हो जाएगा डब्लू वर्क डन बाय चार्ज। तो डेल्टा भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे किसी चार्ज को, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो चेंज डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्लू बटा क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होता है, ये भी हो गया आपका जूल पर कूलम वोल्ट, तो ये एसआई यूनिट, ये भी है ना, ये भी क्या है, इसका ये एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम वोल्ट, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, उतार लीजिए आप लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस इसमें आपको क्या करना है, आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, और आपको क्या दिया हुआ है, दोनों पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपको दे दिया है, और उस पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल मतलब 18 वोल्ट से 28 वोल्ट तक ये चार्ज को है ना लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Q का वैल्यू दे दिया है 3 कूलम, आपको मान चलिए पोटेंशियल यहाँ पे मान चलिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो आपको पॉइंट है ना A से मान चलिए यहाँ पे B तक ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, A से B तक, कितना चार्ज को, 3 कूलम चार्ज को आपको A से B तक ले जाना है, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो हमेशा क्या करते हैं,
कि इनिशियल टू फाइनल, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देता तब डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको फॉर्मूला बताए थे, डेल्टा भी बराबर क्या लिखे थे, डब्लू बटा क्यू। तो डेल्टा भी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, कहीं कहीं वी ए माइनस भी वी बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि फाइनल पॉइंट कौन है और इनिशियल पॉइंट कौन है, तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो वर्क आपको निकालना है, वर्क डन, क्यू चार्ज 3 कूलम आपको दे दिया है, वी बी देखिए वी बी आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये हो गया 18 वोल्ट, ये हो गया 18 वोल्ट, ये है आपको 28 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी बी पे 28 वोल्ट माइनस 18 वोल्ट, क्या हो जाएगा 3 वोल्ट, सॉरी 18 जाएगा तो 10 वोल्ट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा 10 × 3 30 जूल, आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कैलकुलेट आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, दो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल कैलकुलेट आपको करना है। यदि क्या हो रहा है कि 20 कूलम्ब है ना, 20 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है कहाँ से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, और उस चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना आपको वर्क डन लगाना पड़ता है, 50 जूल। तो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वेरी सिंपल, तो अभी वही जो फार्मूला आपको बता है वही यूज करना है। तो डेल्टा भी, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो गया डेल्टा भी, तो इसको क्या लिखते हैं, वर्क बाय चार्ज, ठीक है। तो डेल्टा भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क आपको कितना दे दिया है, 50, चार्ज कितना है 20 कूलम, तो वेरी सिंपल, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 वोल्ट हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं।